नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का, तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। बेंगलुरु में रहने वाली ओवी मालवे ने सबसे कम उम्र में प्रमाणित स्कूबा गोताखोर बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओवी सिर्फ 10 साल की है। इसके साथ ही बेंगलुरु माउंटेनियरिंग क्लब के संस्थापक नीरज मालवे की दोनों बेटियां ओवी और उनकी बहन रुचि दुनिया में सबसे कम उम्र की सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर्स बन गई हैं। नीरज खुद 16 साल से स्कूबा डाइवर हैं। ओवी ने हाल ही में पुडुचेरी में ये उपलब्धि हासिल की और सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर सर्टिफाइड ओपन वाटर डाइवर बन गई। नीरज ने कहा कि वो समझते हैं कि आसान नहीं है, खासकर कम उम्र में। उन्होंने अपने बच्चों पर कभी दबाव नहीं डाला और ये भी दिखाया कि उनकी बेटियों को उचित प्रशिक्षण मिले। हालांकि उनकी बेटियों को बचपन से ही पानी पसंद था और उनके स्कूबा डाइविंग वीडियो देखकर खुश हो जाती थी। उन्होंने कहा कि स्कूबा डाइविंग में उनकी रुचि उन वीडियो से पैदा हुई और उन्होंने तैराकी शुरू की और बाद में स्कूबा डाइविंग के लिए प्रशिक्षण किया। ओवी की बहन रुचि जो 13 साल की है, उन्होंने गोवा में डाइव गोवा के शौर्य तरनी से प्रशिक्षण लिया। रुचि ने 27 अक्टूबर 2022 को जूनियर ओपन वाटर डाइवर सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए दाखिला लिया और 30 अक्टूबर 2022 को स्कूबा स्कूल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किया। 10 और 13 साल की उम्र में दोनों मालवी बहनें दुनिया की सबसे कम उम्र की स्कूबा डाइवर्स बन गई हैं। स्कूबा डाइविंग में ये रिकॉर्ड बनाने के लिए दोनों बहनों को 2 दिन की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, जिसमें 200 मीटर की नॉन स्टॉप तैराकी और बिना किसी सहारे के 10 मिनट तक तैरना शामिल था। पर्यटकों को रात्रि प्रवास कराने, शहरवासियों को रात के समय घूमने, देशभर के लाजवाब व्यंजनों के स्वाद के साथ और भारतीय लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ शिल्प उत्पाद और अन्य सामान एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए ताज महोत्सव की तर्ज पर ताज कार्निवल का आयोजन 15 अक्टूबर से शिल्पग्राम में किया जा रहा है। मंडलायुक्त ने शुक्रवार को शिल्पग्राम में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि ताज महोत्सव की तर्ज पर ताज कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। शिल्पग्राम में सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक कार्निवल में प्रवेश के लिए कोई टिकट नहीं लगाया गया है। कार्निवल में 50 से अधिक फूड स्टॉल पर स्थानीय भोजन के साथ ब्रिज, राजस्थानी, अवधी, मुगलई, गुजराती, दक्षिण भारतीय व्यंजनों के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों का भी स्वाद मिलेगा। पॉटरी, वुड कार्विंग के साथ स्थानीय शिल्प और विभिन्न उत्पादों के स्टॉल भी आगंतुकों को यहां मिलेंगे। मिलेट ईयर को समर्पित मिलेट उत्पादों का स्टॉल भी सभी को काफी पसंद आएगा। प्रतिदिन स्थानीय कलाकारों की लोक कलाओं, संगीत, नृत्य आदि की प्रस्तुतियां लोगों को पसंद आएंगी और स्थानीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करेंगी। हॉट एयर बलून की राइड सबसे मुख्य आकर्षण रहेगा। 17 अक्टूबर से 5 दिन तक इसका आयोजन किया जा रहा है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं। नमस्कार।